नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर बनाना है तो फटाफट कर ले तैयारी, महंगा हो सकता है सीमेंट, इतने रुपए बढ़ जाएंगे। देशभर में जल्दी सीमेंट की कीमतें बढ़ सकती हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कहा कि सीमेंट की कीमत लगातार बढ़ रही है और इस साल अगस्त से इसकी कीमत 16 रुपए प्रति बैग बढ़ गई। एमके ग्लोबल ने कहा कि नवंबर में कीमतों में करीब 6-7 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी हुई। देश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में कीमतें स्थिर रहीं, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में कीमतें बढ़ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट कंपनी कीमतों में इस महीने 10 से 15 रुपए प्रति बोरी बढ़ोतरी का प्रयास कर रही है। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने की आरोपी महिला 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। फर्जी प्रमाण पत्र से मल्टीटास्क वर्कर की नौकरी पाने के मामले में गिरफ्तार महिला को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने महिला को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। इसके बाद पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी। जिले की एक पंचायत में विधवा महिला के द्वारा 5वीं का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मल्टीटास्क वर्कर की नौकरी हथियाने का मामला सामने आया था। सीएम जयराम ठाकुर से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के बेटे तक, हिमाचल की हॉट सीट्स का एग्जिट पोल। हिमाचल प्रदेश को लेकर भी 9 अलग अलग एजेंसीज ने एग्जिट पोल जारी कर दिए। इसमें ज्यादातर ने अनुमान लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहां बरकरार रहेगी, कुछ में कांग्रेस को बढ़त है। हर एग्जिट पोल में यहां इस बार मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। नतीजे क्या होंगे इसका पता 8 दिसंबर को चलेगा। स्पीच इंडिया टीवी मेट्राइज ने अपने एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट्स का भी जिक्र किया है। इसमें बताया कि हिमाचल का कौन सा दिग्गज नेता कहां से जीत और हार रहा है। एग्जिट पोल के आते ही बागियों को मिलने लगा वापस लौटने का ऑफर, जीते तो सारी गलतियां माफ। हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल ने भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी। खासतौर से एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को 30-40 सीट्स मिलने की संभावना जताई। भाजपा को 24-34 सीट्स मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के 68 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 है। इंडिया टीवी जी न्यूज के एग्जिट पोल में भाजपा को 35 से 44 सीट मिलने की बात कही गई, जबकि कांग्रेस के खाते में 21 से 31 सीट दिखाई गई। न्यूज 24 चाणक्य के पोल में भाजपा कांग्रेस को 33-33 सीट मिलती दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ ने भाजपा को 38 और कांग्रेस को 28 व अन्य को 2 सीट दी है। प्रियंका गांधी के लिए तैयार हो रही है नई सियासी राह, क्या कांग्रेस को मिलेगी ऑक्सीजन। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल से कांग्रेस की एक धड़े में प्रियंका गांधी को लेकर नई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि आने वाले सालों में अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकती हैं। सराज में 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर, थुनाग में डीजे पर डलेगी सराजी नाटी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। सीएम जयराम ठाकुर के विक्षेत्र सराज में भाजपा जीत को लेकर आश्वस्त है और जश्न की तैयारी कर ली। गुरुवार को थुनाग बाजार में जीत के जश्न मनाने के लिए डीजे और मुंह मीठा करवाने के लिए 1 क्विंटल लड्डुओं को ऑर्डर दिया गया। जश्न को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला मोर्चा की अध्यक्ष खेम दासी ने की। नकली दवा बनाने वाले गिरोह में और लोगों के शामिल होने की आशंका, कई जगह छापामारी। नकली दवा बनाने वाले गिरोह में और लोगों के शामिल होने की आशंका है। इन तक पहुंचने के लिए दवा नियंत्रण विभाग ने मंगलवार को बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में छापामारी अभियान चलाया और कोई भी हत्थे नहीं चढ़ा। ड्रग कंट्रोलर नवनीत परवाह ने बताया कि इस गिरोह में कई लोग शामिल हो सकते हैं, विभाग जल्द ही इन तक पहुंचेगा। बद्दी से नकली दवा बनाकर उत्तर प्रदेश के आगरा भेजने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी मोहित बंसल और 3 अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऊंचाई वाले भागों में 4 दिन बारिश पर बारी के आसार, मैदानी जिलों में धुंध का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6, 8, 9 और 10 दिसंबर को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश के आसार हैं। 7 दिसंबर को सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। 11 व 12 दिसंबर को भी इन क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है।
पैर फिसलने से खड्डे में गिरे दो नेपाली मजदूर, दोनों की मौत। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में पुलिस थाना झाकड़ी की बधाल पंचायत में सोमवार देर रात को दो मजदूर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू कर दी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अभी नहीं लेगा जेबीटी की अध्यापक पात्रता परीक्षा, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 दिसंबर से प्रस्तावित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के दौरान जेबीटी विषय की परीक्षा नहीं लेगा। टेट के लिए निर्धारित पूर्व शेड्यूल से जेबीटी विषय की परीक्षा को हटा दिया गया है, जबकि 7 अन्य विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने की बोर्ड प्रबंधन को अनुमति मिल गई है। शिमला रेल मार्ग पर दौड़ेगी पारदर्शी कोच वाली ट्रेन, फाइनल ट्रायल भी हुआ सफल। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर नए डिजाइन और तकनीक से लैस पैनोरमिक पारदर्शी कोच का शनिवार को फाइनल ट्रायल किया गया। आरसीएफ कपूरथला की ओर से डिजाइन किए गए दो पारदर्शी कोच से लैस गाड़ी सुबह 9:30 बजे कालका से शिमला रवाना हुई और 2:30 बजे शिमला पहुंची। आरडीएसओ के अधिकारियों ने बताया कि 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया ट्रायल पूरी तरह से कामयाब रहा। इससे पहले इन कोचेस का कालका और धर्मपुर के बीच ट्रायल हो चुका है। चोरा सकने के आरोपी की जमानत याचिका हिमाचल हाई कोर्ट ने की खारिज। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 1.2 किलोग्राम चरस रखने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता गगनदीप को जमानत पर रिहा करने से इनकार किया। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक मात्रा में चरस रखने के आरोपी को जमानत दिया जाना उचित नहीं। न्यायाधीश गोयल ने कहा कि जमानत का निपटारा करते समय अदालत का काम साक्ष्य की समीक्षा करना नहीं है। एम्स बिलासपुर में वेरिकोज नसों का उपचार शुरू, अब नहीं जाना होगा पीजीआई। शरीर के वेरिकोज नसों के उपचार के लिए प्रदेश के लोगों को बाहरी राज्यों के स्वास्थ्य संस्थानों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के रेडियोलॉजी विभाग ने वेरिकोज नसों का एंडोवेस्कुलर उपचार शुरू कर दिया है। एचपीयू में एसएफआई एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, 6 छात्र घायल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही छात्र संगठन एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मंगलवार को हिंसक झड़प हो गई। इससे दोनों संगठनों के आधा दर्जन कार्यकर्ता घायल हुए। परिसर में जमकर पत्थरबाजी हुई। इससे पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी चोटिल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार करवाया गया। नरेश चौहान बोले, उपचुनाव के नतीजे थे असली एग्जिट पोल, अब जीतेंगे कम से कम 42 सीटें। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि असली एग्जिट पोल हिमाचल में बीते वर्ष हुए 4 उपचुनावों के नतीजे थे। कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट सहित फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव को जीता था। अब विधानसभा चुनाव के 8 दिसंबर को घोषित होने वाले नतीजों में पार्टी को कम से कम 42 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगी। बीएमएस और बीएचएमएस के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल तय। बीएमएस और बीएचएमएस के दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग 11 दिसंबर से शुरू होगी। इसमें बीएमएस की 56 और बीएचएमएस की 66 सीट्स भरी जाएंगी। अटल एंड रिसर्च मेडिकल विश्वविद्यालय नैचौक ने इसके लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। घर के आंगन में खेल रहे मासूम को जीप ने कुचला, मौके पर मौत। घर के आंगन में खेल रहे 2.5 साल के मासूम बच्चे को जीप चालक ने कुचलकर मार डाला। घटना जिला बिलासपुर के बंदला गांव में घटित हुई। मृतक बच्चे की पहचान अक्षय पुत्र राकेश के रूप में की गई है। पाकिस्तान से व्यापार बंद, अफगानिस्तान से भी नहीं आई सिरमौर के हरड़ की मांग। हरड़ यानी हरीतिकी की मांग न मिलने से इसकी बिक्री में भारी कमी आई। इससे इसके दामों में कमी आ गई है। पिछले 2 साल से सिरमौर की हरड़ की मांग काफी घट चुकी है। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद है, जबकि अफगानिस्तान से भी इसकी मांग नहीं आई। पहले कोरोना महामारी का असर इसकी बिक्री पर पड़ा। कई औषधीय गुणों से भरपूर हरड़ की मांग मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा रहती है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।